स्मार्टफोन पता नहीं क्यों बना दिए, तुम स्मार्ट होके भी ना पता ही नहीं चलता है। तो सारे ऐप ए व्हाट्सएप बा चलता हूँ मैं। ए बकुड़ा, इतनी रात को कहाँ जा रहा है? दूसरी बीवी के पास। क्या फालतू बात कर रहे हैं यार माँ, तुम सवाल भी तो फालतू कर रही हो ना। बोलता रहो आखा है कि यार नाइट ड्यूटी पे जाना पड़ता है। अरे बकुड़ा सुनना, मुझे तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है, तू आ ना इधर बैठ। आजा आजा। अभी मैं लेट हो रहा हूँ माँ, बाद में बात करते हैं। तू तो वैसे ही बहुत लेट हो गया है, तेरी उम्र के बच्चे है ना उन लोगों के आगे दो दिन बच्चे हो गए और तुझसे तो एक भी नहीं हो रहा। माँ मेरा मतलब है कि कम से कम एक एक बच्चा तो होना चाहिए ना। चल आ इधर बैठ। माँ तू ना ये फालतू की बकवास लेके बकवास बैठ गई है, मैं जा रहा हूँ, बाय। तेरे पापा ने ये सोचा होता ना तो तू इस दुनिया में ही नहीं आता। ऐसा ही करेगा तो हमारे परिवार कैसे आगे बढ़ेगा? माँ फोन कर सुन लू, अब मैं जा रहा हूँ प्लीज। क्या क्या फोन पे फोन पे, कितनी जल्दी बच रही है तुझे है? अब तुझे क्या वहां जाके ताला खोलना है ऑफिस का? मैं ताला तो मेरी किस्मत पर लग गया है। चुप बैस। कितनी सुंदर बीवी लेकर आई हूँ मैं, तू उससे दूर दूर क्यों रहता है, उसके पास क्यों नहीं जाता? मुसीबत जितनी दूर रहे ना माँ उतना ही अच्छा है। ए तेरे को पता है ना, अरे पूरे गांव में सबसे ज्यादा पड़ी हुई है जितना। क्या बात कर रही हो माँ, उसे तो ढंग से गिनती भी नहीं आती है। 20 तक गिनती पकड़ने बोलो तो बोलती है 12 तक अटक जाती है। तो तेरे लिए तो अच्छा ही है ना, कितनी सारी गलतियां है तेरे में तो वो तेरी गिनती नहीं कर पाएगी गलतियों की। तेरे पापा में कितनी सारी गलतियां, मैं गिनते गिनते थक गई तो वो। लेकिन माँ सुनो, मुझे ना कोई अच्छी खासी पढ़ी लिखी लड़की चाहिए थी, तुमने क्या मेरे गले में बांध दिया है? सुन, पढ़ाई लिखाई किस वजह से करते है? या तो शौक होता है या डर के मारे, और जिन्ना उसको फालतू चीजों का शौक ही नहीं है। इतनी समझदार है वो, और डरती तो वो किसी के बाप से नहीं है। अब सुन, तू मुझसे डर, वो जो केसर वाला दूध मैंने भिजवाया है ना तेरे कमरे में वो तू आज पी लेगा, नहीं तो माँ मैं करके दिखा सकती हूँ। हर बात में क्या इमोशनल धमका दे रही हो? केसर का दूध, चीनी शक्कर भी ज्यादा मिलाई है मैंने। मेरा बच्चा, मेरा बकुड़ा।